बुधवार को पुरानी सब्जी मंडी के पास स्थित सनातन धर्म मंदिर शिवाला मस्तनाथ द्वारा भगवान वामन की स्मृति में शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान वामन के विभिन्न रूपों की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। शहर के लोगों ने यात्रा में शामिल लोगों का जगह जगह स्वागत किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष तीर्थ सिंह राणा ने किया। अध्यक्षता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण गोयल ने की। शोभा यात्रा शुरू करने से पहले भगवान वामन की पूजा की गई। मुख्य यज्ञमान समाज सेवी श्री भगवान गोयल और उनकी पत्नी कमलेश गोयल रहे। शोभा यात्रा के लिए गोहाना के साथ विभिन्न पड़ोसी शहरों से बैंड बाजे बजाने वाले लोगों की टीम्स बनाई गई। झांकियां उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई। झांकियां मुख्य रूप से भगवान वामन, भगवान गणेश, लड्डू गोपाल, खाटू श्याम, माँ भगवती और राधा कृष्ण की रही। शोभा यात्रा शिवाला मस्तनाथ से प्रारंभ हुई और मुगलपुरा रोड, पुराना बस स्टैंड, सिविल रोड, पुरानी अनाज मंडी, बरोदा रोड, रोहतक गेट व मुख्य बाजार से होती हुई मंदिर तक निकाली गई। पक्षियों का अपना एक अलग महत्व है, उसी प्रकार से वामन एकादशी जिसे जल झूलनी का डोला भी कहा गया है, कई दशकों से हमारे मंदिर का प्रसिद्ध जो यह है एक त्यौहार रूप भी रहा है। इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन वामन भगवान जो कि राजा बलि के अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने वामन रूप में अवतार लेकर के उनसे जो तीन पग धरती मांगी और उस तीन पग धरती में ही उन्होंने धरती आकाश और पाताल को नाप दिया, जिसे उनका जो है फिर उन्होंने लास्ट में उन्होंने अपना शीश जो उनको झुकाया, उनका अभिमान तोड़ने के लिए वामन भगवान का अवतार हुआ था। इसके उपलक्ष्य में हम जो ये झांकियाँ वगैरह हर वर्ष निकाली, हर वर्ष निकाली जाती है। करीबन 60 से 70 साल हो चुके हैं लगातार सैकड़ों साल। बाकी हमारे सचिव साहब, ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने बावन अवतार लिया था, उसके उपलक्ष्य में बावन एकादशी के दिन ये जोड़ा निकलता है और ये हिंदुस्तान में बहुत कम ही जगह निकलता है। अपने हरियाणा में तो जगाधरी अम्बाला या तीसरा नंबर को हमें भी नहीं पता था। हमारे बूढ़े बताते हैं कि किसी टाइम अंग्रेजों के टाइम में यहाँ कोई SHO आया था बनिया, वो थे अपने जिला जी साइड के, उन्होंने शुरू कराया था और उसके बाद परिपाटी चली आती तो सैकड़ों सालों से चलता। आप देखो 47 आजाद हुआ उससे पहले की बात है, जैसे हमारे बूढ़े बताते हैं ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी। आगे बच्चे जाने क्या हम जीवे तो करेंगे भाई, आगे बच्चों की मर्जी है।